चैनल पर नए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो लेके आऊँ तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैं अभी स्क्रीन पे आ गया हूँ, और देखो हमें जो लॉग बनाने का है उसके लिए ऐप चाहिए, तो उसका नाम है पिक्सार लैब। अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लेना, आसानी से मिल जाएगा। लिखना पिक्सार लैब, फिर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुछ थोड़ा नीचे करना है, हाँ, और हाँ, और अभी हमें लेना है कि कलर बैकग्राउंड। मैं ब्लैक ले रहा हूँ, बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, मैं सिर्फ ब्लैक ले रहा हूँ अभी। हाँ, तो अब हमें जाना है टूल्स पर, टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाना है। हाँ, और अब हमें लेना है स्क्वायर साइज़, स्क्वायर पर लेना है ये साइज़। चारों की ओर कंप्लीट होती है, इसलिए साइज़ स्क्वायर पर लेना है। ये साइज़ स्क्वायर पर है, लेकिन ये नहीं लेना है हमें, ये दूसरी वाली लेना है, ये वाली। सो इसे हम रन कर देते हैं। हाँ, और अब हमें लिखना है हमारा जो चैनल का फर्स्ट वर्ड है वो लिखना है, यानी कि मेरा जो यूट्यूबर है, तो मैं सिर्फ लिखूँगा जे लेना है। फिर आपको ऐसे करके कुछ साइज़ में बढ़िया साइड में रख देने का है, और कंप्लीट साइज़ कर देने का है। उसके बाद जो यूट्यूबर, तो दूसरा अक्सर दूसरा आता है कि वाई, जे को हम कुछ ऐसे आपको जो भी मतलब जैसा फंड रखना हो वैसा रख सकते हो। हाँ, ये जो, हाँ, ये पीछे वाला मुझे अच्छा लगा थोड़ा, हाँ, ये वाला। सो मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं दूसरा लगाऊंगा कि वाई। अभी या तो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप खुद कर लेना, आपको जो भी फंड रखना हो। ये फटा मतलब थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वैसे मैंने ऑलरेडी मेरा लॉगो बना दिया है, और वो कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। चलो ऐसे करके, फिर आपको कोई भी कलर रखना हो तो रख सकते हो, मैं कलर नहीं रख रहा हूँ, मैं सिर्फ दिखा देता हूँ फटाफट, ठीक है। और अभी आपको हमें जाना है ड्रॉ में जाके हमें यहाँ पे जाके और टैक्स के बाजू में जो ये जो, हाँ, ये मैंने किया, उस पर क्लिक करना है। और हमें लेना है, हाँ, ये सेट कर दो आप। उसके बाद स्टॉक पे रखना नहीं है, ठीक है, फुल पे कर दो। फिल पे रखना है, फिल, तो फिल पे करके ओके कर देना। उसके बाद हमें कुछ ऐसे कटिंग करना है, कुछ अलग टाइप का बनाने का है।
इंटरेस्टिंग बनाने का है, ठीक है। सो इसके लिए हमें कुछ ऐसा कटिंग करना पड़ेगा हमारे जे वाई के अंदर, कुछ ऐसे ऐसा कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है, तो अच्छा लगेगा। चलो मैं थोड़ा साइज बड़े ऐसे कर लेता हूँ, थोड़ी ऊपर ले लेता हूँ। नहीं जी, थोड़ा ऊपर और नहीं। सो अभी नहीं, थोड़ा कटिंग हो रहा है बहुत ही। चलो थोड़ा मैं हाँ लेवर कर लेता हूँ। सो देखो ये कंप्लीट हो गया है, और अभी नहीं थोड़ा बैक, हाँ ओके कर लेता हूँ मैं। अब हमें इस पे राउंड लाना है, तो फिर से हमें जाना है ड्रॉ पे, फिर से ड्रॉ पे जाके हमें फिर से वो ही करना है कि टैक्स के बाजू में जाना है और क्लिक करो। फिर हमें जो ऊपर फर्स्ट दिख रहा है राउंड गोल, हाँ फिर गोल में रखोगे तो आपको स्ट्रोक में रखना है, ठीक है, फुल फील पे नहीं, फील पे मत रखना, स्टॉक पे रखना, स्टॉक पे, हाँ। और अभी ओके कर दो, ओके कर दिया। और अभी हमें ये जो हमारा जे वाई है उसके अंदर हमें वो थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है, हाँ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ। कोई भी मतलब कलर रख सकते हो आप, कोई भी आपको जैसा लगे वैसा आपको रखना है, ठीक है, हाँ। पर अभी मैं थोड़ा जे वाई के नीचे आपको पूरा नेम लिखना है, ठीक है, जे वाई के नीचे अपनी पूरी चैनल का नाम लिखना है। देखो जैसे कि मैं अभी ये बैक कर रहा हूँ, ये ऐसे भी आप रख सकते हो, ठीक है, अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ऐसे भी रख सकते हो। और जे वाई के नीचे आपको पूरा नाम लिखना है अभी चैनल का। सो चलो हम जाते हैं टैक्स पे जाके हमें जे वाई यानी कि मेरा नाम जय यूट्यूबर है, चैनल का नाम पूरा लिख दो, अब जय यूट्यूबर, सो अभी मैं जय यूट्यूबर लिख देता हूँ, यूट्यूबर, हाँ। फिर डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ यूट्यूबर, हाँ। फिर हमें जे वाई के नीचे कंप्लीट कर देने का है, साइज में थोड़ा सेट कर देना, साइज़ जे वाई के नीचे जब रखो तो जो यूट्यूबर की साइज़ थोड़ी कम छोटी रखना, नहीं ये बढ़ते ही, ये बढ़ गई थी, थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, साइड में थोड़ी कर लेता हूँ, कंप्लीट उसके नीचे करना है, ठीक है। और मैंने क्लिक कर दिया, अब हमें फिर से जाना है ड्रॉ पर, ड्रॉ उस पे जाके हमें जो हमने किया था स्टेप बाय स्टेप वही करना है, राउंड पे जाना है और स्टॉक पर रखना है, ठीक है, स्टॉक पे रखो और ओके कर दो। अब हमें जे वाई यानी कि जय यूट्यूबर, ये जो ब्लैक ब्लैक देख रहे हो तो इसे हमें कलर पे कर देने का है और वाइट कर देने का है कलर, ठीक है, आप कोई भी कलर रख सकते हो, जैसे कि मैं अभी वाइट रख रहा हूँ, हाँ। देखो कैसा लग रहा है, अब अगर आप वाइट रखोगे तो आपका जो लोगो का इंटरफेस है लोगो दिखाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया है, और अभी हमें सेव करने के लिए ऊपर ही क्लिक करना है, जैसे कि राइट साइड देख रहे हो कम्प्लीट ही हमारा सेव हो गया है। सो फाइनली दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं ऐसे वीडियो में जिंक लेते रहता हूँ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।